यह बात जो हम कहते हैं कि हमें प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शास्त्र, परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, हमारी अस्मिता, हमारा गौरव, इसको ध्यान में रखते हुए और जो हमारी कुल परंपरा रही, जो हमारा कुल धर्म रहा है, जो हमारे राष्ट्र की एक भावधारा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें पर्व मनाने चाहिए। ये बात उनके समझ में नहीं आई और उन्होंने प्रकृति को प्रदूषित करके, प्रकृति के साथ अत्याचार करने में ही अपना गौरव समझा। उसमें उनको आनंद, उल्लास अनुभव हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये तामसिक और पैशाचिक, राजसिक, राक्षसी मानसिकता है। प्रकृति के साथ हम जो अत्याचार कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया अब निश्चित रूप से आरंभ हो चुकी है। और इस विषय में हमारा केवल इतना ही कहना है, क्योंकि हमने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, संत महात्मा समझाने का ही प्रयत्न कर सकते हैं, और हमारा एक दायित्व होता है, और उस दायित्व का निर्वहन हम कर सकते हैं, कर रहे हैं। इसके उपरांत भी जब किसी ने यह धारणा ही बना ली है कि हमें अपने संतों की, अपने शास्त्रों की, अपनी संस्कृति की, अपनी परंपरा की, जो प्रकृति का पोषण करने वाली परंपरा है, जो प्रदूषण नहीं, संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखकर, उसकी जो भावधारा पर जो हमारी संस्कृति खड़ी है, हमारी जो सभ्यता खड़ी है, उसका विस्मरण करना ही जब हमने तय कर लिया, तो ऐसे अज्ञानी जनों के उस दुष्कर्मों का प्रभाव उन्हें, समाज को और राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का दमन करने के लिए शासन प्रशासन को भी कठोरता बरतनी चाहिए। कई स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय में समझाने का प्रयत्न किया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भौतिक धरातल पर भी भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध होगा, कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। तो ये तो मूर्खतापूर्ण प्रचलन है कि पहले प्रदूषण उत्पन्न करना, फिर उससे जो बीमारियां हो, उसमें फिर छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं वो पीड़ित होती हैं, फिर वो रोग ग्रसित होती हैं, उनके शरीर, मन, प्राण, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष सब दूषित हो जाते हैं। ऐसी जो हम परंपरा को, जो एक विधर्मी परंपरा है, उसको जो हम समर्थन कर रहे हैं, मूर्खतावश जो उसका अनुसरण कर रहे हैं, अंधानुकरण कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम प्रत्यक्ष रूप से समाज के समक्ष आएंगे। कई लोगों को फिर ऐसे जब विपरीत परिस्थितियां बनती है, युद्ध, महामारी, भूकंप, अकाल, अतिवर्षा, इस प्रकार के जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, और उसमें जब समाज के निरीह जनमानस को जब कष्ट भुगतना पड़ता है, तो एक प्रश्न सबके मन में उत्पन्न होता है कि इसमें इन बच्चों का, इन ऐसे जो सामान्य स्त्री पुरुष है जिनका कोई दोष नहीं है, इनका क्या अपराध है? तो अपराध यही होते हैं कि जब अपराध हो रहा हो तो हम मौन रहते हैं। अपराध वही होता है जब हम सामर्थ्य होते भी चुप रहते हैं। हमारे पास आज सोशल मीडिया है, आज हमारे पास लिखने के लिए, बोलने के लिए स्वतंत्रता है, कानूनन स्वतंत्रता है, और हमें भगवान ने विवेक बुद्धि दी है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रकृति के अनुरूप है, क्या राष्ट्र समाज के हित में, क्या अहित में है, ये हम जानते हैं, समझते हैं, आपको समझाया जाता है। फिर भी हम कहीं ना कहीं मूर्खतावश, हठ धर्मिता बस अपने ही सनातन संस्कृति और परंपरा को विकृत करके, उस विकृत स्वरूप को जो धर्म मानकर जो आचरण कर रहे हैं, इस मूर्खता का दंड इस सबको भुगतना होगा, ये तय है। क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्म शुभाशुभम्। और हम आपको पहले भी संकेत कर चुके थे, सचेत कर चुके थे कि ये चीजें घटेगी। ये जो बम बनाए गए हैं, ये खेलने के लिए नहीं है,
परमाणु बम बना रहे, एटम बम बना रहे, और ये ऐसे जो भौतिक विकास जिसको कहा जाता है, ये किसी राक्षसों को मारने के लिए, किसी एलियन को मारने के लिए, किसी परग्रही को, परजीवी को मारने के लिए नहीं है। ये मानव ने मानव के विनाश के लिए निर्मित किया हुआ ये तामसी विज्ञान है, तामसी आविष्कार है, तामसी निर्माण है। ये जो विकास हुआ है भौतिक विकास, उसका दुष्प्रभाव हम सभी को भुगतना होगा कि हमने पृथ्वी के पांचों तत्वों को दूषित कर दिया है। अब भूमि को आप देखेंगे कि इसमें विषैला कर दिया गया है, खेत में गोबर की खाद की जगह जैविक खाद की जगह रासायनिक खाद डाल दिए गए, नदियां प्रदूषित कर दी गई है। यमुना नदी की आप गति देख ही रहे, अन्य नदियों की भी स्थिति देख रहे, ये कल्पना करिए कि जब पृथ्वी पर ये नदियां नहीं होगी, या ये पृथ्वी या ये जो नदियां है ये प्रदूषित हो गई, सभी नदियों की स्थिति यमुना जैसी हो गई, तो वो देश, वो समाज, वो दृश्य कैसा होगा? क्या ये दायित्व नहीं है कि आज के वर्तमान समय में जो अपने आप को पढ़े लिखे बौद्धिक शिक्षित कहते हैं, ऐसे समाज को अपनी भावी पीढ़ी के लिए ये चिंतन करना चाहिए। नदियों का जो प्रवाह था वो भूमि सिंचन के लिए हुआ करता था, हम उसमें आचमन कर लेते थे, स्नान कर लेते थे। अब तो पशु भी जो है पानी पीने के लिए आगे पीछे सोचते हैं, ऐसी स्थिति नदियों की होती जा रही है। यमुना जी एक उदाहरण है। दिल्ली जैसे, जिसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की एक राजधानी है, वह हिंडन नदी आप देखे होंगे कि यदि वहां उस जगह से आप कोई गुजरे तो आपको नाक यदि बंद नहीं किया आप लोगों ने तो आपको उल्टी आना स्वभाव आना ही आना है, इतनी बुरी स्थिति है। जो प्रदूषण है, गाड़ियों का प्रदूषण है, पेट्रोल का प्रदूषण है, वो ठीक है, धीरे धीरे प्रयत्न किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार ले किया है, परंतु जो प्रदूषण फैल रहा है अब उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। पूरी दीपावली के नाम पर जिस तरीके से ये पटाखे फोड़े गए, प्रदूषण किया गया, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ये लगता है कि ये ध्वनि जो होती है वो अक्षय होती है, नष्ट नहीं होती, अक्षर बोलते नक्षरंतीति अक्षर, नष्ट नहीं होती उसकी, वो संसार को ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं और एक दिन वो वापस प्रतिक्रिया करते। फिर बिजली का तड़कना, ये सब क्या है? प्रतिक्रिया है। भूकंप आना, ये ध्वनि प्रदूषण का, ध्वनि से जो पृथ्वी कंपायमान होती है, कहते कि प्लेट सरकती है, फलाने सरकती, क्यों सरकती है ये कंपायमान क्यों होती, पृथ्वी क्यों फट जाती है? स्थिति है, भविष्य में लाइव दर्शन लोगों को होगा। अब इसमें जो सज्जन है, सदाचारी है, परित्राण है, साधुना में परमात्मा का विधान है, उनका वचन है, तो वो अपना कार्य करेंगे। और इसीलिए इसी अभियान के अंतर्गत मैंने आपको बजरंग बाण का अभियान दिया कि पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करें प्राण की। एक कम से कम दैवीय शक्ति आपके पास होनी चाहिए, दैवीय सामर्थ्य आपके पास होना चाहिए, जो समय पर संकट के समय आप किसको पुकारोगे? ऐसे समय में आपको दैवीय शक्ति भी आवश्यक होगी। भौतिक धरातल पर भी आपको प्रयत्न करना चाहिए, उस दिशा में भी हम भविष्य में अब कार्य करना आरंभ कर दिए। हम किसी के लिए उसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। यदि हमें अपने बाल बच्चों की, परिवार की, समाज की चिंता है तो उसके लिए उसका दायित्व हमें ही स्वयं निभाना पड़ेगा। कई धर्माचार्य आपको भ्रामक कल्पना में उलझा के रखे हुए हैं कि 1 करोड़ सैनिक दिव्य लोक में आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सारी नदियां प्रदूषित होकर यमुना जैसी हो जाए, जो कत्तल खाने में गाय जो कट रही है वो समाप्त तो हो जाए, जो विधर्मित तांडव मचा रहे हैं चारों तरफ वो उसमें सफल हो जाए, उसके बाद वो आएंगे। ये सिर्फ केवल समाज को नपुंसक बनाने का कार्य है। स्वयं नपुंसकता के उसी धरातल पे जी रहे हैं और समाज को भी उसी धरातल पर जीने का प्रयत्न किया। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं, क्लेव्य मास स्म गम पार्थ, कि अर्जुन तू नपुंसकता को प्राप्त मत हो, और ये समाज को नपुंसक बनाने का प्रयत्न करते। जबकि सब जानते हैं कि उद्यमेने सिद्धन्ति कार्याणि मनोरथे, जो उद्यम नहीं करोगे, अपनी आत्मरक्षा नहीं करोगे,
तब आपके लिए कोई कौन मदद सहायक बनेगा। नायम आत्मा बलहीन ने लभ्यम, आत्मा बलहीन को नहीं प्राप्त होता, बल्कि उपासना करनी पड़ेगी। देवी बल के साथ साथ शारीरिक बल भी हमें चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को सैनिक की स्थिति में आना पड़ेगा। पहले गांवों में जगह जगह पर बल की उपासना होती थी, व्यायाम के द्वारा शरीर पुष्ट रखे जाते थे, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया जाता था, जो कि पारंपरिक और सांस्कृतिक भाग माना जाता था जीवन का। क्या समस्या है आज के समय में भी, और मैं इसीलिए आप लोगों को चैनल के माध्यम से सदैव यही चीज समझ रक्षा कवच दिया। अपन अपनी कम से कम दैविक रूप से भी तो अपने अंदर आत्मबल लेके आओ, और ये नपुंसकता, ये कायरता रूपी दोष प्रवेश करने के कारण हम ऐसी काल्पनिक और भ्रामक बातों में उलझे हुए। कार्पण्य दोषोपह स्वभाव पुष्याम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में ये सम्मूढ़ हो चुके हैं, इनको नहीं पता है धर्म क्या है। हमें अपने अभियान को निरंतर आगे बढ़ाना होगा, कहीं ना कहीं हम लोग भीतर से मृतक हो चुके हैं, और इस मृतकता को समाप्त करने के लिए, इस नपुंसकता को समाप्त करने के लिए, इस कायरता रूपी दोष का संहार करने के लिए बजरंग बाण जैसे अभियान की आवश्यकता है। और इसके उपरांत फिर हमने शक्ति के लिए आपको एक मंत्र दिया, निवारण मंत्र दिया, 10 माला कम से कम करो, 1 माला 2 माला जो भी हो, क्योंकि शक्ति चाहिए ना इस संसार में। उसी का सम्मान है जो शक्ति संपन्न है। नायम आत्मा बलहीने न लभ्य, ऐसे व्यक्ति को वो भजन भी नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। बलहीन व्यक्ति के लिए कुछ भी संसार में नहीं है, इसलिए बल आवश्यक है, चाहे वो बुद्धि बल हो, चाहे बाहुबल हो, चाहे धन बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे मानसिक बल हो, चाहे दैविक बल हो, चाहे आत्मिक बल हो, ये बहुत आवश्यक है। और हम इस अभियान को एक सूक्ष्म रूप से आप सभी जन-जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, ताकि उनके भीतर की जो चेतना है, जो कायरता रूपी दोष है, जो नपुंसकता है, वो नष्ट हो और उन्हें अपना दायित्व, उन्हें अपना कर्तव्य वो समझ आए। इस अभियान के उपरांत हमने राष्ट्र रक्षा अभियान के अंतर्गत निवारण मंत्र का दिया है, ताकि आप शक्ति की उपासना करो, और इसके अतिरिक्त आपको रक्षा कवच हमने प्रदान किए हैं कि ताकि आप अपने संतानों के लिए एक दैवीय बल, दैवीय रक्षा कवच, दैवीय सुरक्षा कवच उनको प्रदान कर सको। इसके उपरांत अन्य फिर हम लोग अभियान की ओर भी अग्रसर है, जो आने वाले 1-2 महीने के भीतर आपको प्रत्यक्ष समझ में आएंगे, दिखाई देंगे, और इसमें भी आपको जुड़ना है। हमने शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए योग व्यायाम केंद्र का भी एक जो योजना आपके समक्ष रखी हुई है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, और उसकी भी एक रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं अच्छे से, एक व्यवस्थित तरीके से। और बजरंग बाण में जहाँ जहाँ पहले जो परिस्थितियाँ थी कि जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, वहीं पर एक अखाड़ा, वहाँ वहीं पर एक खेल का मैदान, वहीं पर कम से कम जो है हम लोग वहां जाकर दंड और बैठक तो कर लेते। ऐसी जो स्थिति है, आप शरीर को सुंदर बनाने के लिए लोग व्यायामशाला में, उसमें जिम में जाते हैं, मजबूत करने के लिए दंड बैठक करना उनको लगता है कि ये तो बस दकियानों सी बातें हैं। इनको बताने की दंड बैठक में दंड देने का सामर्थ्य यदि चाहिए तो आपको दंड बैठक लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए हमने योग व्यायाम के द्वारा भी एक आपके समक्ष रखा है। अभी उस दिशा में किसी का चिंतन नहीं जा रहा है, परंतु आने वाले समय में ये स्थिति बनेगी और सबको ये समझ में आएगा कि अब हम करें तो करेंगे, तब ये सब चीजें हम एक व्यवस्था बनाकर समाज के समक्ष रख रहे हैं। और इसलिए हम जो भी हमें दान सहयोग आ रहा है, 10 रुपये 20 रुपये जो भी सहयोग कर रहे हैं, कोई मासिक रूप से सहयोग कर रहा है, कोई वार्षिक रूप से कर रहा है, कोई साप्ताहिक कर रहा है, जैसा भी है, वो जो भी हमें दान सहयोग मिल रहा है, हम इसी अभियान में लगा रहे हैं। समाज में जाकर समर्थ रामदास स्वामी जी ने धर्म का ज्ञान दिया, परंतु बल की उपासना कराई। ये है दायित्व साधु संतों का, और इसलिए वो समर्थ संत कहलाए। ये नहीं कि उन्होंने ये नहीं बताया कि चलो कोई बात नहीं, विधर्मियों को आने दो, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं सैनिक दिव्य लोक में, वो प्रकट हो जाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे।
ये समाज को नपुंसक बनाने का प्रयत्न ठीक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को आप स्वयं को अपने संतानों को वीरवान बलवान बनाना पड़ेगा। बुद्धिमान बनाइए उनको, शिक्षा उनको ज्ञानवान बनाइए, परंतु साथ में उनको बलवान भी बनाइए, वीर्यवान बनाइए। ब्रह्मचर्य आश्रम तो समाप्त कर दिए हैं, फिर भी जो समय वो लोग थोड़ा बहुत लगा देते हैं, एक दो आधा घंटा एक दो घंटा कहीं खेल में कूद में, कहीं पर वो शारीरिक स्वस्थ अभ्यास आदि करे, कोई विद्या सीखे, ये बहुत आवश्यक है। ये सब चीजें जो समाज में हो रही है उसका एक समाधान ये है कि आपको पहले प्रथम तो आत्मबल चाहिए, दैवीय बल चाहिए, क्योंकि शारीरिक बल के लिए जो अभ्यास करने का जो भाव है, जो विचार है, जो चिंतन है, वो आपके अंदर भीतर ही भीतर वो मृतक बन चुका है, वो मर चुका है। इसलिए हम बजरंग बाण के माध्यम से जन जन में, गांव गांव में, घर घर में उस अहम शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, और इसलिए ये बजरंग बाण अभियान है। और अब चैनल के माध्यम से ये जो वाणी है ये 1 करोड़ जन समूह तक पहुंच चुकी है, और आगे इस अभियान को निरंतर और भी अच्छे से पहुंचाने के लिए अब हम पुनः व्यवस्थित तरीके से इस अभियान को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। इस विषय में जो भी सहयोगी बन रहे हैं उन सभी का स्वागत है। जो भी सहायक बनना चाहते हैं, जिस रूप में भी सहायक बनना चाहते हैं, सहभागी बनना चाहते हैं, वो सहभागी बन सकते हैं। हमने आश्रम में भी व्यवस्था बना दी है कि आप कोई अच्छे साधक है जो साधना की भावना से आना चाहते हैं वो आएंगे, और जो पितृदोष आदि से ग्रसित है उनके लिए भी हमने एक विशेष रूप से नारायण बलि का विधान बनाया है, ताकि उनके जो जो अकाल मृत्यु के प्राप्त हुए ऐसे जो पूर्वज है उनकी सदगति हो, जो दुर्गति को प्राप्त हुए हैं, जो पितृदोष है उनसे मुक्त होने के लिए त्रिपट्टी शादी का विधान भी बनाया है। ये सारी व्यवस्था भी हमने आश्रम के माध्यम से धीरे धीरे